अमनदीप ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल ने अपने दूसरे चरण में मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत होटल रमाडा में कार्यक्रम की शुरुआत की। वाउंड मैनेजमेंट, ट्विस्टर एंकल अप्रोच, डायबिटिक फुट के बारे में डॉक्टर रवि महाजन, डॉक्टर राजीव वोहरा, डॉक्टर भारत कोत्रू ने इन रोगों के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर डॉक्टर स्वरूप ने पीपी न्यूज लाइन से बात करते हुए और भी कहीं जानकारी दी। वहीं इस मौके पर जम्मू के तमाम जाने माने डॉक्टर्स भी मौजूद थे। It's only elaborate on, they have done this study, evidence show that around 32.2% or 48% they are high patient because of the peripheral neuropathy in PVD, who are not only neuropathy, that is 2%. If group 1 has peripheral neuropathy, no PVD, 4.5%. Group 2B, PVD, 13.8%. It is a group 3, previous history of ulcer and amputation. So they are more prone to get ulceration and amputation. So we have to prevent more ulceration and amputation. So on that basis, the IWGDF group has developed the stratification of the diabetic patient. So every diabetic patient should be screened for the risk of the foot. If there is a low risk normal foot, then every yearly we have to assess the patient. If there is low risk, that means neuropathy develops every 6 monthly, we have to get, the patient has to get assessed. Diabetes Federation added the onchomycosis also to the risk factor to the patients. So my mentor and we developed a screen tool that is a 60 second only, you can just, it can take 60 seconds to assess the patient on 60 second basis. Means history, inspection of abnormalities, palpate the pulses. And you have to put light on the pulse. So still I am fighting. So I will fight the whatever. I am not going to talk science. I am not going to talk statistics. मैं डॉक्टर स्वरूप हूँ। मैं कार्डियोवैस्कुलर थोरैसिक सर्जन और ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, जो हार्ट के ऑपरेशंस करते हैं। मैं अमनदीप ग्रुप के साथ अभी जस्ट जुड़ा हुआ हूँ। हम अभी यहाँ पे जो नए रिसेंट एडवांसेस है हमारे फील्ड में, कि हम छोटा चीरा में ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे ये फायदा होता है कि मरीज 2 दिन में घर पहुंच सकता है, उनका रिकवरी अच्छा होता है, ब्लड लॉस, खून इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो CME था उसी चीज़ के लिए, लोगों से बात करने के लिए ये CME हमने होल्ड किया था। सर, किस तरह के ऐसा है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पेशेंट्स, इनको पूरा चीर के ऑपरेशन करना पड़ रहा है। ये सारे पेशेंट्स हैं जिनको हम छोटे इंसिशन से ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आजकल मरीज होते हैं, डायबिटीज़ के मरीज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये पेशेंट्स में नॉर्मल अप्रोचेस से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होती हैं। ये सारे छोटे इंसिशन से इनमें इन्फेक्शन नहीं होता है, ब्लड लॉस कम होता है, ये पेशेंट जल्दी घर जाते हैं। तो ये सारे मरीज को डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे। सर, डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ आता अलग, जैसा कि हार्ट पेशेंट की ग्रेविटी जो बढ़ चुकी है, उसके ऑपरेशन अगर बात करें, उसकी यूनिवर्सिटी हार्ट की वो 2-3 दिन ब्लॉक हो जाती है। बिल्कुल, डायबिटीज़ बहुत बड़ा ऑपरेट हो जाएगा। राइट, तो कैसा है डायबिटीज़ में, हमेशा हम देखते हैं कि जल्दी से तीनों नसें बंद होती हैं और वो जो डिजीज़ होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। तो इन पेशेंट्स को थोड़ा अर्ली रिकग्नाइज करना पड़ता है। अगर ये मरीज़ रेगुलर हेल्थ चेकअप करे तो ये पूरा हार्ट अटैक से नहीं सफ़र करेंगे, उसके पहले ही हम उन्हें पकड़े। एक बार एंजियोग्राफी पे निकलती हैं कि उनको मरीज को, डायबिटीज़ के मरीज को तीनों के तीनों नसें ब्लॉक हैं, तो हम जैसे हमने कहा अगर ऑपरेटिव है, बाईपास करना है, तो ये जो छोटा चीरा वाला है ये हम ऑफर कर सकते हैं, जिससे वो जल्दी घर जाएंगे। डेफिनेटली बेनिफिट होगा। सर, आपको क्या मैसेज रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर भारत वर्ष के लिए, जितना भी आपका नया ट्रीटमेंट आया है? राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना, हम अपना सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, इससे डेफिनेटली हार्ट डिजीजेस प्रिवेंट होगी। प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर प्रिवेंशन नहीं हुआ है, हार्ट डिजीज हो गया है, तो अर्ली चेकअप से और एक अच्छे डॉक्टर पास जाएंगे तो उसकी चिकित्सा होकर जल्दी ट्रीटमेंट हो पाएगा। शुक्रिया।